D15। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। आज है जनाब कौन सा दिन? पंद्रहवा दिन। और पंद्रहवें दिन तक मैंने काफ़ी सारी एफर्ट्स किए हैं जिसकी वजह से मेरा वेट जो है थोड़ा कम हो जाए, और आज मैं वेट करने जा रही हूँ दोबारा से। अब आपको ये बताना था कि पहले दिन मेरा जो है वेट क्या था, तो वो भी बताना है, और आज क्या है ये भी बताना है। अगर फ़र्क पड़ा है तो भी बताना है, और अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो भी बताना है। तो मुझे तो अभी एक्सरसाइज करके आई तो पसीने आ रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अभी नहीं बताऊंगी, आखिर में बताऊंगी ताकि आप लोग कंप्लीट वीडियो देख सकें। सही है, तो चलो चलिए। फैट कटर ड्रिंक के अंदर मैं आज ले रही हूँ लेमन ग्रास विद कार्डिमम, यानी कि छोटी इलायची और लेमन ग्रास की बना रही हूँ मैं आज, और इसमें चंद कतरे लेमन के ऐड कर लूँगी लास्ट में। और ये जो है ज़्यादा नॉर्मल बन जाती है, जल्दी भी बन जाती है और अच्छी भी लगती है मुझे, तो मैं ये छान रही हूँ, ये मैं पीऊँगी आज। और नाश्ते में मैं कुछ डिफरेंट आज ऐड करने वाली हूँ, डिफरेंट चीज़, यानी कि चीज़। आज मैं चीज़ ऑमलेट खाने वाली हूँ, लेकिन चीज़ के बारे में मुझे एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था कि चीज़ खाने से वज़न बढ़ जाता है, लेकिन अब उसके ऊपर मैंने बाकायदा रिसर्च किए तो मुझे पता चला कि उसमें प्रोटीन होता है, गुड फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं वैसे तो, लेकिन इससे मोटे नहीं होते, वज़न नहीं बढ़ता, हेल्दी होता है सब कुछ। तो ब्रेकफास्ट के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चीज़ ऑमलेट विथ चपाती। चीज़ के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन इसमें सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और इसके अलावा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, गुड फैट्स। इसके अलावा ये बोन्स के लिए और दिल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा सा मैंने प्याज ले लिया है, हरी मिर्चें ले ली हैं, और साथ में मैंने क्या ले लिया, थोड़ा सा पनीर ले लिया है। ये मैं सारा ना भी डालूँ, इसको आधा भी डालूँगी, इसमें क्या करूँगी क्रश कर लूँगी इसको। आप इसको कद्दूकश से भी कर सकते हैं, छुरी से भी बारीक बारीक काट सकते हैं, तो मैंने तो छुरी से ही वैसे ही बारीक बारीक जैसे हम प्याज काटते हैं वैसे मैंने काट के इसमें डाल दिया है, तो चीज़ का ज़रा फ्लेवर भी बहुत मज़े का आ जाता है, और इससे ज़रा आपको एनर्जी भी मिल जाती है। तो मैंने ये ज़्यादा इसलिए बनाया है कि साथ में नजफ भी ऐड हो जाएगा मेरे साथ, वो भी खाता है प्रोटीन डाइट। तो अब मैं बनाऊंगी चपाती, एक तरफ ऑमलेट बन रहा है, एक तरफ बन रही है चपाती, तो हम फिर उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। तो नाश्ता रेडी है बिल्कुल, अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, और बल्कि कर चुकी हूँ, ये बच गई है चपाती। One hour later. एक घंटे बाद नाश्ते के कोई भी ड्रिंक पीना चाहिए, कोई अच्छा सा जूस लेना चाहिए, या फिर आप कैल्सी पी सकते हो, या फिर आप कोई फ्रूट खा सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल कैल्सी पी रही हूँ, कल मैंने जूस ले लिया था, और कभी कभी एक फ्रूट ले लेना चाहिए इस टाइम पे नाश्ते के एक दो घंटे बाद, आपको कुछ ना कुछ लाजमी लेना चाहिए। तो ये मैं ले रही हूँ कैल्सी, इससे डाइजेशन भी बेहतर हो जाती है, और कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है, और स्किन पे भी आपके ग्लोस आ जाता है। ये बहुत बेहतरीन है, जब आप डाइटिंग करते हैं तो आपको ज़रूरत होती है कि तमाम न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के जो हैं वो पूरे रहें, तमाम विटामिंस पूरे रहें, तो ये कैल्सी लेना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको एनर्जी भी रहती है, और आपको थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील होता है, और इससे भूख भी खिल जाती है आपकी। तो ये मैं पीऊँगी ज़बरदस्ती कैल्सी। इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि बात हो रही थी वेट की, कि आज मैंने करना है अपना वेट। तो जनाब वेट तो मैंने आज किया है, और मैं बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास खुश नहीं हुई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, थोड़ा सा डिफरेंस आया है बिल्कुल, जो लास्ट मैंने फ़र्स्ट डे मैंने किया था, पहले दिन से पहले जो मैंने वेट किया था उसमें और अब के वेट में सिर्फ 2 या 2.5 किलो का फ़र्क है। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन खैर 2-2.5 किलो भी 15 दिन में अगर कम हुआ है तो बहुत बड़ी बात है, 2 किलो भी अगर हुआ है तो फिर भी फ़र्क तो फ़र्क है ना। तो ये है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं कैल्सी पी रही हूँ, साथ साथ में आपसे वेट की बात कर रही हूँ, तो बस अब आपको आखिर में बताना है कि भाई पहले कितना वेट था और अब कितना वेट है। तो वो सोच के मुझे आ जाते हैं चक्कर, मेरा वेट इतना ज़्यादा है कि जब भी कोई सुनेगा तो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि मेरा फेस बड़ा स्मार्ट सा लगता है, लेकिन वेट, ओह माय गॉड। तो आज बताना तो ज़रूर है, कैल्सी पी लूँ फिर मैं बताती हूँ आपसे, शेयर करती हूँ अपने दिल का दर्द कि भाई क्या है, क्या सिचुएशन है, और कितना वेट है।
आपके अंदाजे में कितना होगा, कमेंट करें अंदाजन कितना होगा मेरा वेट, कोई बता सकता है? मुझे नहीं पता आप लोगों का अंदाज़ा क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जितना मैं एफर्ट्स कर रही थी और खुशफहमी तो मुझे इतनी थी कि 5 किलो तो आराम से वज़न कम हो गया होगा मेरा, लेकिन 5 किलो नहीं हुआ नाज़रीन, सिर्फ 2 किलो वज़न कम हुआ है। कैल्सी पी लूँ फ़ौरन आपको बताती हूँ, वेट करके दिखाती हूँ। बल्कि बल्कि मेरा बेटा कहता है नजफ कि मम्मा सुबह सुबह वेट किया करें, ये हम खा पी के जो वेट करते हैं ये भी गलत होता है। तो मैंने कहा हाँ सुबह सुबह का तो मैंने नहीं किया, मैं तो अभी कर रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलो चलें जनाब, पहले मेरा जो वेट था वो था जनाब 92, पर आज मैं करती हूँ अब कितना हो गया है ये देखें जनाब, जूम करें, ओ ये देखें 90, 2 किलो कम हुआ है ओनली। ये देखें पहले 92 था अब 90 है, तो यानी कि ओनली 2 kg लॉस्ट इन 15 डेज। चलें जी, 2 किलो का भी फ़र्क पड़ा तो सही, इतने मोटिवेशन मिली है मुझे काफ़ी कि अब मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ डाइट प्लान को। अब हम चलते हैं अपने डिनर की तरफ। जी डिनर के लिए ले रही हूँ मैं चना चाट बनाने लगी हूँ, बिल्कुल लाइट सी। इसमें मैं जो है ना रात में रोटी खाने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा, तकरीबन मैं 6:30 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, इसे ज़्यादा लेट नहीं करती। तो मैं इसमें जो है बिल्कुल ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही रात का टाइम है, तो मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, हरी चटनी डाल रही हूँ और इसमें डालूँगी खीरा, ये 2 चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद मैं पी लूँगी गर्म करके मिल्क। तो ये मैंने 2 कप मिल्क गर्म कर लिया है, एक अपने लिए और एक हेरा के लिए, हम लोग मिलकर पी रहे हैं मिल्क, दिस इज़ मिल्क टाइम। तो यही आज का व्लॉग था, आपको पसंद आया होगा उम्मीद है, पसंद आया तो अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सबसे बढ़कर ये कि लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।